बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 65% आरक्षण करने पर विचार कर रही है सरकार। जाति आधारित सर्वेक्षण पर नीतीश कुमार का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई है या घट गई है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम शुरुआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वो जातिगत जनगणना कराए। 2022-2021 में भी जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, जो जितना जल्दी हो सके उसे शुरू करें। लोगों ने तो इसमें कहीं ना दिया था कि जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोनों काम करके, तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तब तो बात रख न दिया गया है भाई, अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं, अब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात है? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए और जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना। जी न्यूज संवाददाता प्रशांत झा इसी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। प्रशांत, आज मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और 65% आरक्षण की बात कह दी है, और आप भी जानते हैं कि 65% आरक्षण मुमकिन नहीं है। कोर्ट में सारे मामले पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं क्या कुछ हुआ है। तो क्या माना जाए, ये एक चुनावी जिसको कहा जाए कि तुरुप का इक्का माना जाए नीतीश कुमार की तरफ से कि भाई आरक्षण दें या ना दें, कम से कम बात करके शगुफा तो छोड़ ही दें और वोट का फायदा ले लें? बिल्कुल सही कह रही हैं आप शोभना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से विधानसभा में इन बातों को रखा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जैसे पिछड़ी जातियां, अट पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में अब आरक्षण का लाभ भी बढ़ाना होगा। और आपको पता है कि जब ये जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा रहा था, उसी समय से ये बातें कही जा रही थी कि आरक्षण यानी जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उनके आरक्षण की जो स्थिति है उसको बढ़ाया जाए, और इसकी मांग लालू यादव भी कर रहे थे। और आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो 65% आरक्षण बढ़ाने को ले जाने तक कि वो बात कर रहे हैं, इसके लिए वो सोच विचार कर रहे हैं। और इस मामले पर जैसे ही विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से लोगों ने कुछ कहने की कोशिश की, तो उन्होंने थैंक्स भी दिया और कहा भी कि आपकी भी सहमति मिल गई है तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। यानी समझ लीजिए कि 65% का आरक्षण हो जाएगा और 10% आरक्षण पहले से केंद्र सरकार ने जो उच्च जाति के लोग हैं उनके, जो गरीब लोग हैं उनके लिए पहले से अनाउंस कर दिया है। नीतीश कुमार ने इसको क्लियर किया है और सीधे तौर पर कहा है कि उसके बाद सामान्य लोगों के लिए 75% आरक्षण कर दीजिएगा, तो जो बच्चे इस आरक्षण के उसमें नहीं आते हैं वो कोई भी कंपटीशन या कोई भी नौकरी देंगे तो वो करेंगे क्या? मतलब गजब राजनीति इस समय चल रही है। जाहिर सी बात है कि जो लोग पिछड़े हैं उनकी मदद कीजिए, लेकिन आरक्षण मुझे लगता है कि एक बार फिर से एक नई लड़ाई को जन्म देना जैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा में जातिगत गणना रिपोर्ट पेश कर दी गई है। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आंकड़ों को जांच परख कर पेश किया गया है, इसमें सभी जातियों के हालात का जिक्र है। नीतीश ने यह भी कहा कि अलग अलग जातियों के आर्थिक हालात का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जातिगत और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आज पेश कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की करीब 1/3 आबादी गरीब है। सूबे के 34.13% परिवारों की मासिक आय महज 6,000 रुपए है।
सरकार ने इन्हें गरीबी की श्रेणी में डाला है। जातीय और आर्थिक जनगणना में सबसे अधिक गरीबी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में सामने आई है। दोनों ही वर्गों में गरीब परिवारों की संख्या 40% से ज्यादा है, जबकि सभी जातियों को मिलाकर गरीब परिवारों की संख्या 33.53% है। ये आंकड़े तब है जब बिहार सरकार बिहार के विकास को लेकर गौरवपूर्ण तरीके से बताती रही है कि देश के सभी राज्यों में बिहार की विकास दर हर साल सर्वाधिक रही है। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या जातिगत आंकड़ों में कितनी है। पिछड़े वर्ग में यादव जाति की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या करीब 35.87% है। कोयरी यानी कुशवाहा 34.32% है और कुर्मी की संख्या 29.90% है। एक बार फिर से मैं प्रशांत आपका रुख करूंगी और क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको धन्यवाद कर दिया था। और देखिए अगली खबर, फिर हमें आपसे अपडेट की जरूरत पड़ गई है। ये जातिगत जनगणना के आंकड़े, गरीबी के आंकड़े, जाहिर सी बात है सब बहुत मददगार होंगे आगे की विकास योजनाओं के लिए, लेकिन यहाँ ये भी तो समझना होगा कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और क्या बिहार के आंकड़े आगे हैं इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ दिख रहा है। अगर और उत्तर प्रदेश की जनगणना की जाए, जातिगत जनगणना की जाए, चाहे गरीबी की जनगणना की जाए, तो आंकड़े इससे भी बुरे हो सकते हैं। देखिए शबना, बिहार के जो आंकड़े आज पेश किए गए हैं विधानसभा में, पूरे देश में सब जगह अगर जातीय जनगणना हो जाए, बावजूद बिहार की स्थिति बदतर ही रहेगी। इसके पीछे की वजह पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिहार में राजनीति तो सब करते हैं, विकास की घोषणाएं होती हैं, लेकिन विकास का काम कितना होता है वो सर जमीन पर कहीं नहीं दिखता है। आप समझ लीजिए कि जितनी गरीबी की बात की जा रही है, जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में जो अब गरीबी की बात कही गई है, जो आंकड़े आए हैं सामने, वो भी कम चौंकाने वाले नहीं है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग हो और अति पिछड़ा वर्ग हो या फिर दलित वर्ग हो, उसमें जो है वो तो पिछड़ापन है ही, लेकिन जब आप आगे जाके पूरे आंकड़े के एक एक पन्ने को देखिएगा तब आपको लगेगा कि बिहार सरकार ने जो लगातार सुशासन की बात करती रही है, जो विकास की बातें करती रही है, वहां पर उनकी चूक कितनी होती रही है। बिहार में कहां विकास हुआ है? विकास का मतलब सिर्फ सड़क बना देना, अस्पताल को थोड़ा डेवलप करना नहीं होता है, लोगों को रोजगार देना भी होता है ताकि उनकी जो आमदनी है वो बढ़ सके। आप समझ लीजिए कि 6000 जो आमदनी वाले कितने परिवार के जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं, आखिर 6000 क्या है वो? यहां पर खेतिहर मजदूरों के जो प्रशांत आप बने रहिए और मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं कि आज विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो आरक्षण 65% करने की बात कही है, उसको किस तरीके से जो विधायक है उनके सामने पेश किया गया, वो दर्शकों के लिए सुनना बेहद जरूरी है। वो सुनिए एक बार। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कर्म है, ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। आ 10%, सुनिए ना, आ 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। तो प्रशांत, एक बार हमने फिर अपने दर्शकों को ये सुनवाया कि आज किस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को 50% जो लिमिट है उसको 65% करने की बात की, और ये भी साफ कर दिया कि 10% तो केंद्र सरकार दे ही रहा है सवर्ण गरीबों को। तो अब कुल मिलाकर इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जो लिमिट है वो 50% की है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देते हैं विधानसभा में तो ये तो सिर्फ एक, जिसे कहा जाए कि चुनावी बयान ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शोभना, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव सामने है और उसमें नरेंद्र मोदी और एनडीए के जो चुनौती देना है नीतीश कुमार को, उसके लिए इससे बड़ा ऑप्शन उनके पास दूसरा नहीं है।
क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में सिर्फ एक बार मोहन भागवत ने इतना ही कहा था कि आरक्षण जो दिया जा रहा है उसको फिर से एनालाइज करना चाहिए, और पूरे बिहार में लालू यादव ने इसको लेकर के और नीतीश कुमार ने सिगुफा लगाया आगे और पूरी तरह से स्थिति को ऐसा कर दिया कि जैसे वो आरक्षण को एनालाइज किया जा रहा है। नीतीश कुमार का जो ये बयान है ये निश्चित तौर पर 2024 को सामने रखकर किया गया है। सबको पता है कि जब ये अगर ये बिल्कुल, करने बिल्कुल की कोशिश भी करेंगे, देखिए जनता तो भी सब जानती है, जनता भी सब जानती है, विधानसभा में खड़े होकर ये कह देने से कि 50% से 65% करना चाहिए, ये जनता जानती है कि ये मुमकिन नहीं है, कम से कम आज की तारीख में तो मुमकिन नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।